हेलो गाइस, 18 बैचेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी करने के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी यहां पे डाली हुई है। जो जनवरी में इन्होंने एग्ज़ाम करवाए थे उनके रिगार्ड में कि कितनी अटेंडेंस हुई है और कितने और कब रिज़ल्ट इन्होंने देना है। यहां पर इन्होंने जीएसटी एसएसटी का एग्ज़ाम जो करवाया हुआ था, हिंदी प्राध्यापक का भी था, इसमें टोटल जो अटेंडेंस आई है 31.53% है। 49,334 लोग रजिस्टर्ड थे जिनमें 15,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, बाकी सभी ने छोड़ दिया है। और इसका रिज़ल्ट इन्होंने बताया हुआ है कि 25 मार्च को ये दे देंगे, 25 मार्च 2019 को ये रिज़ल्ट दे देंगे ये वाला। लेकिन जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन है इसकी केवल इन्होंने अटेंडेंस बताई हुई है, इसमें कितने लोग अपियर हुए हैं ये बताया गया है और इसका रिज़ल्ट कब देंगे ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है। इसकी अटेंडेंस का जो परसेंटेज है 29.56 है। इसका एग्ज़ाम 16 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी के बीच हुआ था। ये 99 वेन्यू थे और 44 सिटी थी इनकी, और पूरे इंडिया में इसका एग्ज़ामिनेशन हुआ था। 105,390 लोग ही अटेंड इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं और बाकी ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। इसके टोटल फॉर्म पड़े थे 356,569 फॉर्म पड़े थे, जो कि काफ़ी कम है इसके अकॉर्डिंग, फॉर्म के अकॉर्डिंग। और इसका भी जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 100 सिटी में हुआ था। 146 वेन्यू इसके टोटल बनाए गए थे जीएसटी एसएसटी का, और इसमें हिंदी प्राध्यापक का भी था। तो ये सारे ये नोटिस आई हुई है छोटी से ही, ये एक साधारण नोटिस है, ये अटेंडेंस वगैरह को बताने के लिए है। आगे के एग्ज़ाम में भी अटेंडेंस ऐसे ही गिरी हुई रह सकती है क्योंकि एसएससी अपनी साख खोते जा रहा है। लेकिन अब आगे जो कैलेंडर जारी हुआ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर ये चलते रहते हैं तो एसएससी अपनी छवि को वापस पा लेगा। आपको बताना चाहूँगा कि 18 बैचेस अभी आपने सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, आपको जितने भी एग्ज़ाम अपडेट है आपको यहाँ पर मैं देता रहूँगा। और साथ ही आपने आपको अगर मैथ की स्टडी करनी है तो मैथ का एक पूरा यहाँ पर एक कोर्स अवेलेबल है फ्री में, आप उसको देख सकते हैं। एसएससी बाई एनजे सर के नाम से है। अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ढेर सारी पज़ल वगैरह के कोर्सेज हैं, और अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर बैंकिंग का प्योर कोर्स मैंने बनाया हुआ है, ढेर सारी पज़ल का और सिटिंग अरेंजमेंट का। थैंक यू।